नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के वित्त वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा का शनिवार को मल्हारगढ़ विधानसभा के बूढ़ा मंडल में प्रातः 11 बजे डोरिया मीना शिवना नदी पर सेतु निर्माण का भूमि पूजन किया। दोपहर 1 बजे दौरवाड़ा से खाखरिया खेड़ी सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। दोपहर 3 बजे खरपाड़िया से सरवानिया हरनीखेड़ा से मेन रोड मंचाखेड़ी से मीना की मंचाखेड़ी तक करोड़ों की सड़कों पर भूमि पूजन किया, जिसमें खरपाड़िया के पास आंवला नाला पर सेतु एवं स्टॉप डैम का फीता काट कर लोकार्पण कर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति ज्योति संजय रत्नावत, मल्हारगढ़ जनपद उपाध्यक्ष फकीर चंद धनगर, जनपद प्रतिनिधि एवं सभापति संतोष कुंवर, दिलीप सिंह मुंडेदी, सरपंच प्रतिनिधि रंजीत सिंह शक्तावत, हाल मुकाम रमा हवेली पिपलिया मंडी, ग्राम पंचायत सरपंच कांताबाई सुरेश पाटीदार, उप सरपंच भैरूलाल चौहान, सचिव मदनलाल रायका, भाजपा कार्यकर्ता पप्पू सेन, मोर्चा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज लगभग 10 करोड़ के काम यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण के काम हुए हैं। पुलिया का लोकार्पण भी हुआ है, 3 सड़कों के भूमि पूजन हुए हैं और ये श्रृंखला लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। चारों मंडल में हमने भूमि पूजन के अभी लगातार कार्यक्रम किए हैं। अभी कम से कम भी 10-20 करोड़ के 25 करोड़ के काम अभी और भूमि पूजन के बाकी हैं और पहले बहुत कुछ हो चुका है। बहुत बड़ी योजना इसमें सिंचाई योजना इस मल्हारगढ़ तहसील के लिए आने वाली है, मल्हारगढ़ माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना जो लगभग 1000 करोड़ की होगी, जो यहाँ के खेतों को गांधी सागर का पानी मिलेगा जिससे वो सिंचाई होगी, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। 1700 करोड़ की योजना कायमपुर की जो सिंचाई योजना स्वीकृत हुई है उससे भी हमारे बहुत सारे सीतामो तहसील के गाँव लगभग उससे जुड़े हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर विकास की प्रक्रिया चल रही है जो लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में खाद का बहुत ही संकट है, सारा संकट दूर हो गया, आज खाद आ गया है, अब मिलना चालू हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। साथ ही पिपलिया मंडी के विषय में बात करनी थी, जो कि लहसुन के लिए वहाँ पर बाहर से भी किसान आते हैं और वहाँ पर साफ सफाई की भारी कमी है देखने में। वो मैंने कलेक्टर मंदसौर को निर्देशित किया है, शायद आज वो गए होंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे।